नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और पार्षद रहे श्री शिव अग्रवाल जी। शिव भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर खबरें आज भी चंद्रयान से जुड़ी हुई हैं, हेडिंग अलग अलग है। सबको आज भी ये खबरें पढ़ करके मसर्रत हो रही होगी, खुशी हो रही होगी कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका था। चांद मस्तक पर अब सूर्य प्रणाम, इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर छापी है। यानी अब चंद्रयान के बाद हम सूर्य की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य पर जाने की। चंद्रयान हमारे संपर्क में, मून वॉक शुरू। इसके अलावा मेरे खिलाफ भाजपा नहीं ईडी आईटी ही चुनाव लड़ेंगे, भूपेश बघेल ने बात नई दिल्ली में कही है। मोदी की जिनपिंग को दो टूक, एलएसी का सम्मान करे तभी हालात सुधरेंगे, जोहानिसबर्ग में बात उन्होंने कही है। कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तिरंगे तले नहीं खेल सकेंगे हमारे पहलवान। दिल्ली से रायपुर आ रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे पर भी इचकोले खाता रहा। रायपुर से खबर, ब्रज की जैव विविधता को द्वापर युग जैसा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। लखनऊ से खबर है, मन आहत हुआ हो तो साथी को जरूर बताएं, अपनी असहजता को खुलकर व्यक्त करें, साथ बैठकर विवादों की वजह तलाशें, रिश्तों में ताजगी आएगी। ये एक एक्सपर्ट ने कहा है। अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलिया कृति सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ईडी छापों पर सियासी गर्मी, भूपेश बोले डराना मकसद, मरने और जेल जाने से मैं नहीं डरता। ये पहली खबर एक अखबार की नई दिल्ली से। हिदायतुल्ला ला कॉलेज के हॉस्टल में मिली कानून की छात्रा की लाश, रायपुर की खबर। विश्व चैंपियनशिप से पहले पहलवान चित, मुट्ठी में चांद, अब सूरज की बारी, दो को उड़ान भरेगा सूर्ययान। ये खबरें फ्रंट पेज की। इसके अलावा अंदर भी तमाम तर खबरें हैं जो अलग अलग विषयों पे है। चंद्रयान की बात आज भी अखबारों में प्रमुखता से ली गई, चूँकि परसों ही हमारे चंद्रयान ने धरती की, चांद की धरती को छुआ और पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक हुई। और 14 दिन तक ये जो वहाँ पे प्रज्ञान रोवर है वो अध्ययन करेगा, 500 मीटर चलेगा 14 दिन में, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में चल रहा है, ऐसा कुछ उसका आंकड़ा आया है। तो वो 500 मीटर में चल करके जो वहाँ अध्ययन करेगा, वो अध्ययन न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक उपहार होगा। अगर ऐसी कोई जानकारी वहाँ से प्राप्त हो गई कि आगे चल करके चांद पर मनुष्य बस सकता है, तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है। अभी भी इस कामयाबी को हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं, मतलब मुंह पे आ जाता है, खुशी व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। आज भी हम सवेरे जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो 3 दिन हो गया है, लेकिन पहली बार जो लोग आज मिले वो कह रहे थे कि कमलेश भाई मज़ा आ गया, भारत के वैज्ञानिकों ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अब उसमें राजनीति देखने वाले अपने ढंग से उसको भी देखते हैं राजनीतिक चश्मे से, लेकिन एक भारतवासी को जितना गर्व होना चाहिए वो गर्व दिखाई दे रहा है। शिव भाई, बहुत सही कहा कमलेश भैया। मैं तो इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि चंद्रयान की सफलता का आज प्रशंसक पाकिस्तान भी है। बिल्कुल है। मैं देखा, चैनलों में दिखाया गया कि पाकिस्तानी लोग दबे रूप में तारीफ करने से बाज नहीं चूक रहे थे, और सही भी है। आज पड़ोस में कोई अच्छा काम होता है तो पड़ोसी को उसके यहाँ जिसके यहाँ काम हो रहा हो वो तो गर्वान्वित है ही, लेकिन उसका पड़ोसी उससे ज़्यादा गर्वान्वित अपने आप को महसूस करता है। कोई बोलता भैया आपके पड़ोस में, हाँ हमारे बगल में रेंज रोवर कार आई है। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि इतनी बड़ी सफलता कि जिसका गुणगान पूरा विश्व कर रहा है, अरे वाह रे मेरे भारत की राजनीति। आज इसमें भी आज विपक्ष खुलकर के तारीफ करने से इसलिए बच रहा है कि इसका श्रेय कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ना चला जाए जी, जबकि अपने आप में ये एक इतिहास है। ये इसकी जितनी गुणगान करो, जितना प्रशंसा करो, और मैं तो बोलता हूँ किसी सत्ता दल की ये नहीं है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। कमलेश भैया, अभी चंद्रयान से जुड़ी हुई खबरें चली तो मैंने देखा कि पहले हमारे यहाँ के उपकरण इसके अंतरिक्ष के, इसको साइकिल में लेके जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में लेके जा रहा है जी, जी। और आज सीमित संसाधनों में आज हमारे वैज्ञानिकों ने जो काम को कर दिखाया है वो पूरा विश्व जलन से भी पागल है और तारीफ करने में भी पागल है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथोनी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था बहुत मारा सालों ने मुझे, लेकिन एक मारा सॉलिड मारा जी। तो वो सॉलिड मार हमारे भारत ने, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है जी। बिल्कुल वो मार कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भारी पड़ रही है जो लोग ये कहा करते थे कि भारत सपेरों का देश है,
भारत अपनी मान्यताओं पर टिके रहने वाला देश है, जहां मान्यताओं में कुछ नहीं, कोई उसकी वैज्ञानिकता नहीं है। उन लोगों ने अब ये पहली बार एहसास किया, इसके पहले भी कई बार एहसास कर चुके हैं, लेकिन पहली बार एहसास किए हैं कि नहीं, बहुत कम लागत में, एक फिल्म जितने में बनती है, गदर और ये सब फिल्में जो बनी हैं, उनके बराबर लागत में हमने वो कामयाबी हासिल कर ली जो अमेरिका, रूस, और रूस का तो गया था ना लूना 25, क्रश हो गया, उनका मिशन असफल हो गया, लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने बड़े प्रेम से धैर्य रखते हुए लूना को आप जल्दी भेजेंगे, जल्दी जाके लैंड करेगा और हम पहले बन जाएंगे, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने बड़े आराम से कछुए की चाल से चलते हुए उस फतह को हासिल कर लिया। देखिए कमलेश भैया, एहसान फरामोश भी हैं। आज ब्रिटेन की, अभी भारत ने काफी लंबी रकम की आर्थिक मदद की जी, और सबसे ज्यादा इस सफलता की जलन ब्रिटेन को हो रही है। बिल्कुल, वो पहले फेल हुआ उसका गुनगा मतलब हम निकाल रहा है, बखान कर रहा है कि भारत गरीब देश है, उसके पास में इतना पैसा आया कहां से। अरे आप देखो, आपके अरबों खरबों डॉलर की अपेक्षा में भारत ने हजारों में खेल कर दिया, तो ये तो हमारे वैज्ञानिकों की लगन है। जी 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 जी, वही बात है, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो यही बात आ रही थी कि बीबीसी ने उसकी आलोचना की है या वो कटाक्ष कर रहे हैं, तो वो भूल रहे हैं कि अभी भारत उनका उपनिवेश नहीं है, उनका राज्य नहीं, उनकी कॉलोनी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र है जी। और जो समझौते में उस समय गलतियां हुई थी या वक्ती तौर पर जो लगा था हमारे उस समय के हुक्मरानों को, हमारे नेताओं को, उन लोगों ने वो समझौता किया था, ठीक है उस समय हमको राज्य उन्होंने कहा था, लेकिन हम राज्य नहीं, हम राष्ट्र हैं। और ब्रिटेन में भी बैठा हुआ एक सनातनी, हिंदू कहें, भारतीय कहें, भारतीय, अब उनका बाप बन गया है कह लिया जाए जी। अब उनको तकलीफ तो होगी, और तकलीफ उनकी हो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमें उन्होंने लगभग 200 साल खूब तकलीफ दी है, तकलीफ दी है जी, तो उनको जितनी तकलीफ होगी उतनी हमें मसरत होगी, उतनी हमें सुकून मिलेगा, और वो सुकून हमको ही नहीं मिलेगा बल्कि अमेरिका को, उसको, पाकिस्तान को भी मिलेगा, बांग्लादेश को भी मिलेगा, नेपाल को भी मिलेगा, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर के इनके द्वारा कष्ट झेले हैं, तो उनके लिए वो कोई उनको उनको उनके कहने से हमको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुशी होती है। और जो बात आपने राजनीति की, तो राजनेताओं के ज्ञान की बात, कल मैं पढ़ रहा था कि ममता बनर्जी जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ी हैं, वो बोले कि राकेश रोशन गए वहाँ चांद पे, उन्होंने पहला कदम रखा था, जबकि वो अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, चांद पे नहीं गए थे। और एक राजस्थान के मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा वहाँ यात्री गए हैं, लौट के आए कि तो उनका हम स्वागत करेंगे। एक बड़बोला नेता उत्तर प्रदेश में राजभर, वो भी इसी तरह की बातें कर रहा थे। राजनेताओं को भी चाहिए कि वो चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, या खड़गे जी हों, या अमित शाह हों, नड्डा हों, ये लोग अपने नेताओं को पढ़ाएं जरा, उनको बताएं कि आप लोगों, आपकी आवाज़ को दूर तक सुना जाता है। इन वैज्ञानिकों, आज भी ये बात होती है कि ये वैज्ञानिकों ने जो कुछ किया है इससे हमारे राष्ट्र का क्या भला होगा, तो ये तो उनके लिए ये जानकारी है कि ये राष्ट्र के लिए नहीं किया गया है, पूरे विश्व समुदाय के लिए किया जाता है ये सब चीज़ें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो नई पीढ़ी है उसको विज्ञान की तरफ उन्मुख होने का एक उसकी तरफ आकर्षण है उसके लिए। ये वैसे ही इन राजनेताओं का अगर इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें वो करेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चे राजनीति में जाने से परहेज करेंगे कि कहाँ ये बेवकूफ़ों के बीच में हम चले। सही बात है कमलेश भैया, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे नेताओं की पहले क्लास लेकर के उन्हें समझा दिया जाए कि जब सम्माननीय मीडिया आपसे प्रश्न पूछे तो आप बता दो कि उसके अंदर में कोई मानव नहीं गए हैं जी, आप बता दीजिए कि कोई चांद पर पहले नहीं गया है, या ये बता दो कि राकेश रोशन नहीं, राकेश वर्मा थे, राकेश शर्मा जिन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दूसरा मैं तो कहूंगा कमलेश भैया कि गौरव के साथ साथ अगर आज अपन इसमें बिजनेस की भी बात देखते हैं जी, तो जो जानकारियां इसरो को मिलेगी वहां से, जो हमारे देश को मिलेगी, देश के वैज्ञानिकों को मिलेगी, और वो जब जानकारियां विश्व में जाएगी, तो आज मेरा मानना है कि खरबों में जी उसका रिटर्न हमारे यहाँ के मिलेगा, उनको, देश को मिलेगा हमारे। जी जी, हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष परोक्ष दो तरह के लाभ होते हैं, तो अभी तो पूरी दुनिया के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश विश्वगुरु था जी, ये वर्णन मिलता है। ये किसी पार्टी के हिसाब से बात ना करें कि हम भाजपा और कांग्रेस के या उसके हिसाब से, ये था, हम विश्वगुरु थे,
हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला में पढ़ने उसी समय से विश्वविद्यालय नाम दिए जाने लगे और हमारी सीमाएं अनंत थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ढपोल संख्यीय बात नहीं है। तो हम विश्वगुरु थे और हमेशा हमारे यहाँ तो ये कहा भी जाता है ना कि विश्व का कल्याण हो जी। हाँ, हमारे यहाँ के उसमें है, धार्मिक स्लोगन में है, हाँ। विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो नहीं बोलते जी, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व की कल्याण की भावना जिस देश के लोगों के रग रग में बसी हुई है जी। वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो इसलिए काम कर रहा है कि पूरी दुनिया का भला हो इससे जी। और सरकारें भी हमारे यहाँ की, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये लोग भी इसी भाव से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। तो जिसको तकलीफ पाना है पाए, और हमको तो आनंद है, और नई पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा एक उदाहरण बनेगा और उनका मन उस तरफ आगे बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे युवक इसरो में काम कर रहे हैं, कोरबा के भी एक दो बच्चों के बारे में जानकारी है। अपने शिवाजी नगर हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ आपसे चर्चा कर रहे हैं, जहाँ आपको जानकारियां दे रहे हैं जी, हमारे पीछे रहने वाले पांडे जी के लड़के इस अभियान में शामिल थे जी। तो ये कुल मिलाकर पूरे देश के लिए खुशी की बात है, और ईश्वर करे इसी तरह की खुशी 14 दिन बाद जब वो रोवर अपना काम पूरा कर लेगा, तो वो जो जानकारी देगा इससे ज़्यादा हमें मसरत होगी। हम लोग तो कहा करते हैं चंदा मामा, तो मामा के घर जाने में बड़ा आनंद हम लोग अनुभूत करते थे। जो पिताजी और बुआ जी और दादी जी लोग डांटते थे तो लगता था मामा के यहाँ जाएंगे तो बड़ा स्नेह मिलेगा। तो चंदा मामा इसीलिए नहीं कहा गया है, चंदा में कुछ न कुछ तो होगा, हमारे पूर्वज कुछ न कुछ तो वहाँ आदान प्रदान करते रहेंगे, इसलिए इतना प्यारा उनको संबोधन दिया गया है। तो मामा के घर हम जाएँ, इस तरह की कोशिश चल रही है, और साथ में भगवान सूर्य को भी हम लोग प्रणाम करते हैं, सुबह पानी देते हैं उनको। एक तो पर्व ही होता है छठ पूजा, जिसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है, बहुत बड़ा पर्व। तो वो भगवान सूर्य नारायण को हम यहाँ से अर्घ देते हैं, और वहाँ भी जाने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, इसरो उस पर काम कर रहा है, और तैयारी शुरू हो गई है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी बाकी है। दो तारीख को हमारा आदित्य L1 जी आज अपने मिशन पे काम करेगा, और जनवरी माह में, और सब कुछ सही रहना है, क्यों इस अभियान के साथ करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी है जी, प्रार्थनाएं जुड़ी है। तो बहुत दिन दूर नहीं होगा जब हम सूर्य देवता के भी बारे में बहुत सारी जानकारियां, आज चंद्रमा को देखने के बाद में बहुत सी जानकारियां मिली है, इस अभियान ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो वो भी जानकारियों का पिटारा बहुत जल्दी खुलने वाला है। हाँ, हम लोग साधारण बुद्धि के लोग हैं तो बहुत नहीं समझते, लेकिन वैज्ञानिक समझते हैं कि इसका कितना लाभ हमको आने वाले दिनों में मिलेगा। और भगवान सूर्य तक अगर हम पहुँचने में सफल हो जाते हैं तो उसका भी अध्ययन करने को हमें मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी हम सबको, आम लोगों को भी प्राप्त होगी। और फिर ये भी बात जो कहा जाता है कि हनुमान जी सीधे चले गए थे, निगल लिए थे जी, तो वो भी उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ उसका वैज्ञानिक आधार समझ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। क्योंकि जी हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुछ हम सोच सकते हैं वो सब कुछ संभव है, सब कुछ पहले हुआ है और आगे भी होगा। तो सूर्य भगवान को निगल गए थे हनुमान जी, ऐसा अगर कहा गया है तो संभव है, असंभव शब्द हमारे यहाँ डिक्शनरी में नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा, अब चूंकि राजनीति का समय आ गया है, इतनी अच्छी खबर के बाद राजनीति पे बात करना मज़ा नहीं आता, लेकिन क्या करें, अब खबरें हैं तो चर्चा भी करना है। और चूंकि हमारे यहाँ 2 महीना बाद रणभेरी बज जाएगी, और बज गई है रणभेरी तो, और उसके बाद सब मल्लयुद्ध शुरू करेंगे भाजपा और कांग्रेस के लोग और दूसरे दल के लोग, तो उससे जुड़ी खबरों पर भी थोड़ा सा आनंद लिया जाए। ED छापों पर सियासी गर्मी, भूपेश बोले डराना मकसद मरने और जेल जाने से मैं नहीं डरता। दिल्ली में जाके उन्होंने बात कही, छत्तीसगढ़ में भी उनके जो रिलेटिव है विनोद वर्मा जी, कल उन्होंने कहा कि ED सीधे लूट कर रही है, डकैती डाल रही, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। और दिल्ली जा करके भूपेश बघेल जी ने वहाँ बात इसलिए कही कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, दुनिया न कहे पूरे भारत में ये खबर जाए कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, या चुनाव जीतने के लिए ED और IT का उपयोग कर रही है। शिव भाई, कमलेश भैया, ये देखिए, इसमें मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे CM साहब ने जो कहा है वो गलत कहा है जी। आज इलेक्शन के ही टाइम पर ये ED और IT की रेट क्यों पड़ती है जी,
आज मध्य प्रदेश में पहले चुनाव हुए तो जो कमलनाथ जी थे जी, उनके सहयोगी के यहाँ छापा पड़ा था और करोड़ों रुपए निकाल लिए जी। आज देखिए सरकार में बैठे लोगों को अच्छे से मालूम है कि धन उपार्जन किया जाता है और हर पार्टी करती है, हर पार्टी के यहाँ रहता है जी। और जिस टाइप से ईडी को इन्होंने चना मुर्रा बना करके अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव और इन्होंने भेजा है, मुझे बोलने में संकोच नहीं कि मैं भी उनका शिकार हुआ हूं जी। और उनके पूछने के तरीके से, उनके क्वेश्चन के तरीके से सीधा सीधा एक ही बात समझ में आती है कि वो आपका हरासमेंट कर रहे हैं जी। और विनोद वर्मा जी पहले भी सीडी कांड में जेल जा चुके हैं, भूपेश बघेल जी भी उसके लपेटे में आए हुए हैं, और एन चुनाव के टाइम पर इस टाइप की कार्रवाई करना, आपने पहले क्यों नहीं की कार्रवाई जी? जब भ्रष्टाचार का आपको मालूम है कि खेल खेलते आ रहे हैं, चाहे कोयला का हो, शराब का हो, धान का हो, सब चीजों का हो जी, तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? ये चुनाव में अभी आचार संहिता लगने वाली है और आप ईडी को दौड़ा रहे हैं आप जगह 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 जी। और हमारे सीएम साहब ने दिल्ली में जाकर यदि बोला है तो वो उसका एक कारण बनता है कि छत्तीसगढ़ की आवाज दिल्ली तक जल्दी से नहीं जाती, इसलिए दिल्ली में जाकर के मैं बोलूं जी। और कम से कम सरकार को ऐसी विश्वसनीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जी, जी, जी। मैं किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बनकर के नहीं बोल रहा हूं जी, मैं फेस किया हूं, मैंने देखा है उनको, उनकी कार्यप्रणाली को देखा है, तो ये तो एक साजिश है। मतलब आप मैं ये मान लो, चूंकि आपने फेस किया है, हम लोग तो सिर्फ खबरों तक ही सीमित हैं, जो आरोप लगता है कि ईडी के लोग धमकाते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, क्या ऐसा सच है, ऐसा संभव है? नहीं, उनकी प्रक्रिया जो थी जी, लगभग वो टेरर की प्रक्रिया जो बोलते हैं कमलेश भाई जी, मैंने उनको एक ही बोला था कि जो सहयोग आप बोलेंगे हम करेंगे जी, हमारे साथ में कोई किस्म की बदतमीजी नहीं करना जी। उन्होंने बोले कमरे में सब बंद हो जाओ, कमरे में सारों को ले आए, मोबाइल सबको दे दिए, मुख्य द्वार पे ताला मार दिए, उनको जो देखना था, गद्दे फाड़ना था, जो करना सब किया उन्होंने जी। तो ये तो एक अविश्वसनीय, एकाएक जो बोलते हैं ना, वो उस टाइप की है ये तो। नहीं, लोगों को आज भी ये नहीं लगता, आपने उसको छेड़ा तो मुझे याद आ रहा है कि लोगों को यही लग रहा था यार शिव भाई के यहाँ ईडी कैसे पहुंच गई, तो क्या क्या लगा उसको, उसको कोई षड्यंत्र था कि भूल बस आ गए थे? आश्चर्य लगता है मेरे को, मेरी फोटो उनके पास, मेरे मकान का फोटो उनके पास, मेरे मकान का नंबर मुझे नहीं मालूम, 419 नंबर मकान का नंबर उनके पास, मेरे नाम का संबंध, और खाली मेरे से उनको व्यक्तिगत वो था जी, जबकि मेरा व्यवसाय है बगल में, उससे संबंधित कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। जानना क्या चाहते थे? उनमें से एक तो भी शिकार हुए हैं जी, विनोद वर्मा जी जी, उनके तो खाली क्वेश्चन ये थे कि फलाने अधिकारी के साथ आपके क्या संबंध थे, फलाने नेता से आपकी क्या रिश्तेदारी है, मतलब उसे लगता है कि पूरा राजनीति से प्रेरित। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो अब बोलना चाहूंगा उनका एक चीज खा, हम लोग केस बैंक के साथ साथ वोट बैंक भी देखते हैं जी, और सब बाहर से आए हुए अधिकारी रहते हैं, उनको समझाया जाता है, उनको ब्रीफ की जाती है, मतलब जी जी। ये तो छत्तीसगढ़ में ये एक भय का वातावरण, आज तक ईडी की धमक नहीं हुई थी, इस पहली बार आज देख लीजिए कांग्रेस के शासनकाल में ईडी गली मोहल्लों में दौड़ गई है जी जी जी। और अब तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो शुरुआत है, ये इतना टेरर यहाँ फैला देंगे कि आदमी चुनाव में खर्चा करने से डरने लगेगा। जीएसटी को भी उसमें शामिल कर दिए, जीएसटी भी शामिल। अब आप सीधी सी बात है कि छोटी छोटी बातों पर भी इनका हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। बराबर, ये तो एकदम, ये चाह रहे हैं कि जो इनको लग रहा है कि सर्वे में जिस सरकार की वापसी हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे तोड़ा जाए। नहीं, हाँ, ये बात तो जरूर आती है कि खैर वापसी होगी नहीं होगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आप पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, वहाँ आपके छापे नहीं पड़ रहे हैं, हरियाणा में आपके छापे नहीं पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं पड़ रहे हैं, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ नहीं पड़ रहे, उड़ीसा में थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उड़ीसा में चूंकि वो आपका साथ देते हैं परोक्ष रूप से, इसलिए वहाँ पे छापे नहीं पड़ रहे हैं। आज गुजरात में इतना बड़ा खेल है जी, इतना बड़ा खेल है गुजरात में, जो हीरों का कारोबार है, चाहे वहाँ पे और भी जो कपड़े का व्यवसाय है, आज वहाँ कोई ईडी की धमक नहीं है जी। मतलब भ्रष्टाचार सिर्फ छत्तीसगढ़ में, सीधी सी बात है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों को मजबूर कर दो
और फिर ये जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो समय सपा के जो नेता थे उनके यहाँ छापे पड़े, जो आपने कमलनाथ जी के यहाँ कहा वो इसीलिए होता था कि होता है कि ये पैसे तो सब इकट्ठा करके रखते हैं, सभी दल रखते हैं, सभी दल रखते हैं, सब चुनाव है, पैसे बटेंगे तो पैसे न बांट पाए इसलिए उस पैसे को जब्त करवा लो। ये सारी कवायद तो चल रही है। अब यहाँ ये जो आरोप लगाया जाता है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं कोयले में, डीजल में, पता नहीं क्या क्या नाम लिया जाता है जी, वो हो सकता है, उसको अपन किसी को क्लीन चिट देने के अधिकारी नहीं है, लेकिन ये तो जरूर समझ में आता है कि बीजेपी के शासन काल में जो कुछ रहा होगा बढ़ गया होगा, इतना ही हुआ होगा। सीधा सीधा ये कमलेश भैया कि ट्रेन चलती है जी, निश्चित स्थान पर रुकती है और वहाँ पे उसका इंजन का ड्राइवर और गार्ड उतरते हैं, फिर दूसरे इंजन के दूसरे ड्राइवर और गार्ड वहाँ बैठ जाते हैं। बस यही है कि कोई स्लो गाड़ी चला रहा है, कोई ने तेजी से चला दिया जी, प्रक्रिया वही है। आज शराब का काम छत्तीसगढ़ में एकाएक चालू नहीं हुआ जी, कोयले का कमीशन, ये तय बात है कि कोयले में कमीशन वसूला जाता है, ये सबको मालूम है जी। हमारे यहाँ के रामलाल से भी पूछोगे वो भी बताएगा कि कोयले में कमीशन है जी, लेकिन यही है कि ये रास्ते आपको मालूम है, किसी ने कम लिया किसी ने ज्यादा लिया, लेकिन उस रास्तों के ऊपर में चल करके किसी को भ्रष्टाचारी बना देना, ये क्या बात है। हाँ ठीक है, मुझे याद है 97 या 98 में मैं उस समय अखबार में काम करता था, तो मैंने आज भी हेडिंग याद है मुझे कि मैं खुद एक व्यक्ति से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के कोयले का काम करने के लिए दीपका गया, वहाँ 100 टन कोयला उठवाया और जो प्रक्रिया थी पूरी उसको समझा, 6 रुपए टन उस समय दिया जाता जी, था। बराबर, तो मैंने हेडिंग लगाई थी 6 रुपए टन में अपना ईमान बेचते अधिकारी, लकड़ी का टाइप हुआ करता तो समय वो बड़ा बड़ा, और आज भी दीपका गेवरा में उस समय का जो की कार्रवाई थी, नहीं तो लोग 2,000-2,500 मजदूर बाहर के आकर के कोयले को एक एक कोयले को छांट छांट के भरते थे, अब बंद हो गया, थोड़ा बहुत बीच बीच में हो जाता है, तो उस समय 6 रुपए था, बढ़ते बढ़ते 25 रुपए हो गए, यानी बीच का ऐसा नहीं कुछ 6 रुपए 97-98 में था और भूपेश बघेल की सरकार आई तो 25 रुपए हो गया, ये बीच के कालखंड में भी वो पैसे लोगों के पास जाते रहे। बराबर, और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई अब हो रही, तो सीधी सी बात है कि इसके पीछे नियत ये नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। बराबर बराबर, उसमें कहीं ना कहीं सियासी जो चालें होती है ना वो भी शामिल है। अब अधिकारियों को विचार करना चाहिए कि आखिर आज भाजपा की सरकार कर दूसरे की सरकार आएगी तो आपका क्या होगा, ये भी तो क्योंकि अजीत जोगी के समय में जो लोग बहुत नहीं है, सीधा सीधा कमलेश भैया जो प्लांटों में ठेका श्रमिक काम करते हैं, ठेकेदार बदलते रहते हैं जी, श्रमिक वही है जी जी जी। अरे वसूली तो हर सरकार ने की है जी, अजीत जोगी के शासन काल में जो लोग बहुत उनके नजदीक थे, पिताजी बोलते थे, माताजी बोलते थे, उनका भाजपा शासन काल में क्या हश्र हुआ, हम लोगों में बहुत सारे चित्र आंखों के सामने होंगे जो नजदीकी नजर रखते हैं। रमन सिंह के शासन काल में जो लोग बहुत उनके अजीज बने हुए थे, भूपेश बघेल की सरकार ने उनके साथ क्या किया है बताने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल की शासन में जो लोग बहुत ज्यादा उगल रहे हैं, इनका अगली सरकार अगर कहीं इनकी बदल गई या मुख्यमंत्री बदल गया तो उसका क्या हश्र होगा, वो भी लोग देखेंगे। तो होता है ये, उसके बाद भी सबक नहीं लेते, सोचते हैं कि अरे यार पहले बेवकूफ थे लोग, फंस गए, हम थोड़े फंसेंगे, हम तो बहुत चतुर है, सामने वाला आएगा उसको भी फंसा लेंगे। तो ये भाव मन से निकाल दें, अधिकारी अधिकारी हैं, वो किसी के नहीं है, वो आपको जो कानून ने जो ताकत दी है उस ताकत के आधार पर आप काम करिए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्या करें, उनको भी अगर नहीं करेंगे तो वही 15x15 के कमरे में कैद कर दिया जाएगा, आराम से बैठो, यहीं तो चपरासी मिल जाएगा, बाबूगिरी करवाते रहो। आपको अगर बड़ा ऑफिस चाहिए, रुतबा वाला चाहिए और माल वाला चाहिए तो फिर तो आपको इनकी चमचे ही करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम आपका नहीं हो सकता। घोटाले होंगे तो ईडी आएगी ही, डॉक्टर रमन ने बात कही है, बात वही कि बिल्कुल आए, लेकिन बीजेपी के भी शासन में जो कुछ हुआ उसको भी देखें, या बीजेपी के नेता भी अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको भी पकड़ें। देख लीजिए, रमन जी जो भी भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं या जिन पे कार्रवाई हो रही है वो किसी एक दल से जुड़े हुए लोग हैं जी। आज बीजेपी के, मैं नहीं बोलता कि बीजेपी में वो ऐसे नहीं है, बीजेपी के एक भी ऐसा बताइए कि जिनके इन्होंने छापा मारा हो जी, तो ये तो आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा कार्रवाई हो रही है और इस पर राजनीतिक रूप से कितना लाभ इन लोगों को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ शिव भाई, मैं खबरें पढ़ता हूँ, अभी विज्ञापन का दौर चालू हो गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तो कुछ ही राज्यों में है जी, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो जो लोग
सत्ता में हैं राज्यों में, उनके जो विज्ञापन अखबारों में आ रहे हैं, ठीक है आपको अपना बताना चाहिए, गुणगान कराना चाहिए कि आपने क्या किया। हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है, अंग्रेज के समय से ही वो व्यवस्था चली आ रही है कि सरकार को एक फंड सरकार के पास रहता है जिसको वो व्यय करती है विज्ञापनों में जी। करना चाहिए क्योंकि विज्ञापन से फिर हम लोगों के हमारी बिरादरी को भी लाभ मिलता है, उनको चैनल चलाने में अखबार चलाने में सहूलियत होती है। लेकिन जब अति हो जाए कि अब आप बताइए तमिलनाडु का एक विज्ञापन जारी हुआ है और वो हिंदी में, तमिलनाडु में हिंदी का घनघोर विरोध करने वाले लोग हैं और हिंदी अखबारों में आप विज्ञापन दे रहे हैं, और विज्ञापन में भी क्या है, नई चीज, मुख्यमंत्री प्रातःकालीन भोजन योजना, क्या है ये करुणा निधि के बाप का पैसा है कि हमारे बाप का है? आप तो इस तरह हास्यास्पद बातें हैं कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारे यहाँ आप देखिए राजस्थान के फुल पेज के जी दो दो पेज के विज्ञापन जी, पंजाब सरकार ने वहां पे क्या क्या गाड़ रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं उसके विज्ञापन जी, अब ये साउथ का विज्ञापन और अपनी योजना का बखान कर रहे हैं हिंदी में जी, तो ये तो सीधा सीधा पैसे की बर्बादी है। आप इतने पैसे किसी गरीब के खाते में डाल दीजिए, गुप्त खाते में डाल दीजिए आप जी। अब प्रातःकालीन भोजन योजना वहां पे चल रही है और यहां पे बखान हो रहा है, नहीं यह भी चल रही है, तो आप ये जो मुफ्तखोरी लोगों में बढ़ा रहे हो, नहीं तो इसका प्रोपोगंडा क्यों करना? अब हमारे यहां भी लोग तैयार हो जाएंगे, वहां तो सवेरे खाना मिलता है जी। नहीं वो ठीक है, तैयार हो जाएंगे तो लालच लगती है कि भाई वो भाजपा वाला बांट रहा है कांग्रेस वाला भी बांटेगा, या उसको दिया तो मेरे को भी दे। पहले कहा जाता था ना कोरबई में कि स्लम एरिया में पैसे बढ़ते हैं, आजकल अभिजात कॉलोनियों में भी पैसे बढ़ने लगे, वहां भी लिफाफा जाने लगा, नहीं तो निकलते नहीं। हाँ नहीं, पहले उनके यहाँ तो मोहल्लों में तो पहुआ जाता था देसी वाला, अब इनके यहाँ स्काच जाने लगी है, उनके यहाँ चखना जाता था चना मुर्रा, इनके यहाँ चिकन बटर जाता है, तो सब ने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया है, तो वो स्थिति तो यहाँ भी निर्मित हो रही है। ये जो आप मुफ्तखोरी का जो एक सिलसिला चल पड़ा है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दूसरे राज्य हो, केंद्र सरकार हो, ये अगर इसी तरह से बांटते रहेंगे तो जैसे हम पड़ोस में अपने श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, पाकिस्तान भी उसी हालत में जा पहुंचा है, और भी कई देशों का उल्लेख होता है कि मुफ्तखोरी के चक्कर में देश बर्बाद हो गए, वैसी स्थिति हमारी भी धीरे धीरे हो जाएगी, तो कहां आप तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योजना बना रहे हो? आचार संहिता लगती है जी, तब एकाएक हमारे यहाँ की निर्वाचन प्रक्रिया एकदम से जिंदा होती है जी, और छापे मारना, गाड़ियों को चेक करना, सामानों को पकड़ना, लेकिन जब साक्षात रूप से चुनाव के समय पे ऐसे बड़े बड़े विज्ञापन जी, मैं तो कहता हूं कि लॉलीपॉप मुफ्त में देने के विज्ञापन छपते, कार्रवाई क्यों नहीं करते हमारे की निर्वाचन जी? आज हमारे टैक्स का पैसा है, क्या आप अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसे लंगर के रूप में बांट दें? आज एक भी विज्ञापन में मेरे को यह बताइए भैया कि किसी मुख्यमंत्री ने अपनी आय का, उसको मिलने वाले वेतन को उसने फ्री में बांटा हो? बिल्कुल नहीं। किसी मंत्री ने अपने पैसे को फ्री में बांटा हो? हाँ, कोई ये कहता नहीं, सुनाई पड़ता कि जो मुझे वेतन मिल रहा है मैं सरकार को दान कर रहा हूँ। अरे ये तो आपके हमारे टैक्स के पैसे को ये लुटा रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए जी जी, तो इस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं बोलने में, मैं नहीं बोलता कि गरीबों का हक है ये नहीं, लेकिन ये आप चुनाव के टाइम पे एक लालच देते हैं, इस लालच के हम शिकार होते हैं और फिर उसी का फायदा उठा करके हमारा दोहन शोषण चालू होता है, उसके बाद में हम हल्ला मचाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार क्या करेगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, पिस वही रहा है, मध्यम वर्गीय पिसता है, नीचे वाले को तो कुछ न कुछ मुफ्त मिल जाता है और जो ऊपर वाले उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, 500 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बेची उनकी गाड़ी चलती रहेगी जी, लेकिन मरता इसमें निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग है। तो इन नेताओं को तो इससे लेना देना नहीं, उनको लेना देना इससे कि उनको सत्ता की प्राप्ति कैसे हो। चलिए कोरबा को रुक करते हैं, सड़क पर ही पार्किंग, सरमंगला कनबरी मार्ग पर लगा जाम, स्कूल नहीं जा पाए, छात्र किया प्रदर्शन, ये पहली खबर है अखबार की, हम लोगों ने भी इस अखबार को प्रमुखता से छापा है। 18 ने कोरबा चुना पर सीएस ने में मात्र 2 ही लिया प्रवेश, 110 सीट घटी फिर भी रुझान कम, हाले इंजीनियरिंग कॉलेज, त्योहार में ट्रेनें रद्द, रक्षाबंधन व तीज में बाहर जाने वाले यात्री हो रहे परेशान, चोरों का दुस्साहस, वाहन में लगा रखी थी पीली बत्ती, पीछा करने पर बैरियर तोड़ भागे, श्रमिक चौक से 1 किलोमीटर आगे टायर फट गया, 3 महीने में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी, ऐसा कहना है डॉक्टर रमन का, वो पाली में कल एक कार्यक्रम था उसमें बोल रहे थे।
इसके अलावा बाकी तो खबरें ऐसी है, कुछ मंदा एरिया में बीएमएस के सबसे ज्यादा सदस्य है, और भी छोटी छोटी खबरें हैं। कल एक सूची जारी हुई, मैं इस पर चर्चा करूंगा, उसकी आप बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपको बता दें कल जो सूची कांग्रेस की जारी हुई है उसमें लगभग 23 या कितने महामंत्री बनाए गए, जनरल सेक्रेटरी, उसमें कोरबा से प्रशांत मिश्रा पाली से बनाए गए और 5-6 कोरबा से सचिव बनाए गए, जिसमें वो श्याम सुंदर सोनी जी हैं, विकास सिंह हैं, ऋषु अग्रवाल हैं, बीएन सिंह हैं, तनवीर हैं, और छुरी में देवांगन गजेंद्र चंद्रा, नरेश देवांगन जी, ये लोग, ये चुनाव के वक्त 125 से अधिक सचिव का बनाना कांग्रेस की रणनीति क्या वही है कि रेवड़ी बांट दो चुनाव में, सब ये कुछ न कुछ काम आते हैं। खैर, उनके संगठन का मामला है और कोई भी संगठन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओबलाइज करके और काम में लगा दो, लाभ मिलता है। सीधी मेरे को तो ऐसा लग रहा है, कमलेश भैया जितनों को बनाया गया है, मेरा मानना है जी, कहीं ना कहीं ये दावेदार होंगे, इन्होंने आवेदन लगाया होगा कि हमें चुनाव लड़ना है, तो ऐसे लोगों को ओबलाइज कर दो, इन्हें ऐसा पद दे करके, जैसे मैंने पढ़ा कि उनको 90 सचिवों को 90 विधानसभा के प्रभारी बना दिए गए जी चुनाव, तो चुनाव के टाइम तो उससे ज्यादा है, 140 सचिव है लेकिन 90 को जवाबदारी दे दी गई है जी। और उनको भी यह है कि एक सम्मान मिले, इसीलिए एन चुनाव के समय पे, अब देखिए सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी जी, तो आपके संगठन के लोगों का सिर्फ काम यही रहेगा कि आप अपने पार्टी के काम को देखो जी, बाकी आप वो गाड़ी के ऊपर में लंबी चौड़ी प्लेट लगा करके अब आप उतना नहीं कर पाएंगे, 5 साल तक सरकार को नहीं चमका पाएंगे जी जी। तो ये तो सीधा सीधा है मेरे हिसाब से, वही है कि चुनाव के टाइम पे एक लोगों को चुप करने के लिए, एक लोगों को महत्व देने के लिए, नाराज लोगों को मनाने के लिए ये रेवड़ी के रूप में बांटा गया है। हाँ, चुनाव के समय में वैसे भी झोले में नियुक्ति पत्र लेके घूमते हैं कई लोग कि चलो भाई जितना चाहिए हम उसको देने के तो लिए रहते हैं। कोरबा के इतने प्रभावशाली नेता रहे हैं, ये पूरे 5 साल निकाल दिए, इनको कहीं कोई पद नहीं मिला जी, और ये सारे प्रभावशाली लोगों को आप एन चुनाव के टाइम पर आप पद दे रहे हैं जी 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 जी। खैर, ये पार्टी का मामला, उनके कोई भी पार्टी अपने लाभ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि चर्चा थोड़ा सा होती है कि अरे चुनाव आ रहा है 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में चुनाव है और इनको इतना प्रदेश पे ले रहे हैं जी, तो जी, कहीं जी। ये टिकट के लिए हल्ला ना मचाए कहीं, इसलिए तो नहीं। हाँ, उसके कई कारण होते हैं, कई कारण उसके होते हैं, और सब लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ही वो निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज कोरबा में एक आंदोलन कर रही है, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इनके नेता वो चोंगा लगा लगा कर भी घूमते रहे और लोगों को बोलते रहे कि पट्टा जो देना था कांग्रेस सरकार में आने से पहले, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें भी उल्लेख था कि हम सबको पट्टा देंगे, और फिर वो प्रधानमंत्री आवास के मामले को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करने का इन्होंने ऐलान किया है, और वो आंदोलन आज ही होना है जहां हम आपसे बात कर रहे हैं उसके पास में ही घंटाघर में, तो ये इनको भी अभी ये याद आ रही है। देखिए कमलेश भैया, सीधा सीधा चुनाव है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेख था, कांग्रेस ने भी इस मामले को खींचते हुए चले आए कि चुनाव के पास में देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन एन चुनाव के पहले, अरे ये हक के लिए तो आपको पहले से लड़ना चाहिए था, आपके भी पार्षद निगम में बैठे हैं जी, आपके भी लोग सरकारी विभागों में हैं जी, तो आज चुनाव के टाइम पर आप इस टाइप का, ये तो सीधा सीधा है कि ये आपका चुनावी प्रचार का एक तरीका है जी। आज तक आपने इसके पहले प्रयास क्यों नहीं किया? भाई राजस्व मंत्री हैं कोरबा में, योजना राजस्व से जुड़ी हुई है, इसके पहले आपने राजस्व मंत्री से मांग क्यों नहीं की जी? और एन चुनाव के टाइम पे आप धरना प्रदर्शन, वो भी किसके नेतृत्व में, जो विधानसभा पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है जी, लखन देवांगन की, हाँ लखन देवांगन जी का, तो ये तो सीधा सीधा उनकी कैनवासिंग कर रहे हो आप जी। आप पट्टा दिलाने का प्रयास कहाँ कर रहे हो? अरे आप दबाव बनाते, विभागों में दबाव बनाते, मंत्री है यहाँ पर उन पर दबाव बनाते, लेकिन आपको तो लाउड स्पीकर में प्रत्याशी का प्रचार करना है जी। तो ये तो सब वही है, अब 5 साल गुजर गए, आज आपने पट्टा अभी तक नहीं दिलवाया, अरे कुछ दिनों के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, तो गरीब तो ऐसा है कि वो कई बार एक कार्टून देखने को मिलता है कि एक लकड़ी में रोटी का टुकड़ा लटकते रहता है जी, और उस पर बैठ करके आदमी चलते रहता है तो आपने पट्टे की रोटी के उसमें लटका तो दिया है जी, लेकिन सामने वाले को दिया कहाँ है?
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप ऐसा डॉक्टर बनिए रमन सिंह जी कि रोग जैसे ही पता लगे आप उसका इलाज कर लीजिए, सिर्फ उसको चिल्लाते रहे करे बड़ा खतरनाक रोग है खतरनाक रोग है बोलने से उसको ठीक होने वाला नहीं है। तो समय पर इलाज नहीं किए अब आप आखिरी में चिल्ला रहे हैं तो क्या होगा, ये लोग भी जानते हैं, लोग समझते हैं कि ये सब चुनावी कवायद है। सड़क पर ही पार्किंग, ये खबर कल हम सवेरे से आपको दिखाए और किस तरह से कुछ युवक सड़क पर उतर करके विरोध करते रहे, वहाँ नारेबाजी होती रही, घंटों लोग फंसे रहे, बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वो उनको वहीं फंसे रहे, वह घर भी वापस नहीं जा पाए, 3-4 घंटे की कवायद के बाद उनको बाहर निकाला गया। जो लोग बहुत इमरजेंसी काम से जा रहे हैं कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, एक दो बार तो हम लोग देखे हैं कि बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को निकाला गया, फिर जब एक गाड़ी निकलती है तो बाकी गाड़ियाँ भी निकलने लगती हैं। ये गाड़ियों के मतलब ट्रकों के कारण सड़क का जाम होना, ट्रकों की उसकी जो सड़क की अब कई जगह जो स्थिति है उसको देखते हुए कई बार मन में आता है कि हम टापू में रह रहे हैं, ट्रेन हमारे पास है नहीं, ट्रेन जो चलती है वो बंद कर दी जाती है, बाई रोड हमको जाना है तो बाई रोड हम जाएं कैसे। ये मतलब इस पर भाजपा को और कांग्रेस को दोनों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। देखिए कमलेश भैया, प्रताड़ित सब लोग हैं जी। आज जो मुख्य है हमारे पास, सही कहा आपने कि ट्रेन की सुविधा हमारे पास तो है ही नहीं, हमारा दोहन शोषण भरपूर कर रहा है रेलवे, कोल मंत्रालय बहुत ज्यादा कर रहा है जी, लेकिन जी। नहीं है, बच गई हमारे पास में इकलौती सड़क एक चापा कोरबा की, तो वो भी बीरबल की खिचड़ी की तरह बन रही है जी। जी आज सालों हो गए उस सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोगों को चापा जाने के लिए सरमंगला होते हुए पहरिया होते हुए हमको जाना पड़ता है जी। और बताना चाहूंगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि कल एक गमी में जाना था नैला जी, और वहां का हाल देखने के बाद लगा कि हम कहां हैं, हम कोरबा में नहीं रह रहे हैं जी। जी जी जहां देखो वहां बेतरतीब ढंग से ट्रेलर खड़े हैं। अरे हमारे पास में यातायात विभाग है, यातायात विभाग सिर्फ वसूली के लिए है क्या? शहर में खड़े होकर के खाली कागजातों को चेक करना और एंट्री करवाना, उसी के लिए यातायात विभाग है हमारे पास? एक भी यातायात का कर्मी वहां पर नहीं। वहां पर इतने महत्वपूर्ण स्कूल जाने वाले बच्चे फंसे, एम्बुलेंस फंसी है, यात्रियों की गाड़ियां फंसी है। क्यों? बिलासपुर जाने के लिए चांपा साइड जांजगीर अकलतरा जाने के लिए एकमात्र रास्ता है जी। जी और उसमें इस टाइप का मतलब जहां देखो वहां ट्रेलर खड़े हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मीडिया के साथियों को कि जो ऐसे ऐसी समस्याओं के मामले को गंभीरता से प्रमुखता से उठाते हैं। अरे आपका फर्ज बनता है, वो एरिया भी आपके जिले में है, जिला यातायात को उसमें जागना चाहिए, वहां पर लगाना चाहिए कुछ। अरे आप उन ट्रकों से वसूली करते हैं, आपको लाखों रुपए महीने की आमदनी है, अरे कम से कम यात्रियों को तो आप थोड़ी सी राहत दीजिए वहां की व्यवस्था बना करके। जी 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 बिल्कुल, ये बड़ा कष्टकर है। और कई बार होता है ना कि लोग कह देते हैं बिना कहे भल दीन दयाला, अब आपने तो कह ही दिया है, अब उस पर हमारी भी सहमति की मुहर है। मैं आरटीओ उड़न दस्ते के बारे में एक बार मैं कुछ लोगों के साथ कहीं बैठा हुआ था, अचानक हमारे बीच में ही बैठे हुए एक आदमी ने फ़ोन करके किसी फ़ोन आया उनको और उनको ये बताया गया कि भाई आप एक गाड़ी भेज रहे थे उसमें 40 किलो माल ज़्यादा है और उसके लिए 40,000 रुपये का जुर्माना आरटीओ उड़न दस्ता वाले कर रहे हैं। वो नाराज़ हुआ अपने ड्राइवर से, ड्राइवर के जरिए उसने बात करने की कोशिश की, बोले कोई बात नहीं होगी ऑफिस में आके बात करो। मैं बोला कि चलो भाई हम लोग भी चलते हैं और आखिर में वो हमें भी रोक दिया, बोले भैया हमारा बिजनेस है आगे भी हमको नुकसान होगा। उससे उसने 15,000 रुपये में सौदा किया, 15,000 रुपये दिया और वो उसको गाड़ी जाने दिया। 40 किलो के लिए 40,000 का जुर्माना कहना और 15,000 रुपये में सौदा करना, यही काम हो रहा है अभी आज की तारीख। पूरा 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 कमलेश भैया, हर डिपार्टमेंट सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा, और पब्लिक कुछ भी कर ले। आज ये जो इनकी बगैर सहमति के इस टाइप के बेतरतीब ट्रेलर खड़े रहेंगे या ट्रेलर चलेंगे जी, इनकी पूरी बौन स्वीकृति है इस टाइप की अव्यवस्थाओं के लिए। और वो कोई मजाक बात नहीं, लोग कहते थे कि बॉम्बे से रायपुर आप आ जाएंगे लेकिन उसके दुगने तिगने समय में आप रायपुर से कोरबा नहीं पहुंच सकते। हाँ बिलासपुर तक भी आप आ जाएंगे, इस तरफ की तो बड़ी दुर्दशा है भाई। शहर कोरबा में प्रवेश किए तहां आप फंसे, ऐसा हो गया है कि कोरबा को वही कहा ना मैंने कि टापू बना दिया गया है जी, यहाँ के लोग यहीं रहें, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप ले जाओ कोयला ले जाओ बिजली ले जाओ लेकिन कोरबा को कुछ दो मत। इसमें कोई पार्टी विशेष के लोग ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। तो इसको तो एक संयुक्त, अरे इसका लाभ मिलेगा चुनाव में आप लोगों को, लेकिन प्रयास तो करिए। हाँ अब दिक्कत वही है ना कि कहे कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन जी,
हम तो सारे चूहे हो रखे हैं, तो घंटी बांधने जाएंगे तो पता लगा बिल्ली हमको ही हजम कर गई। तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, सब लोगों के साथ वही हो रहा है। अब ज़्यादा बोलते हैं तो हमको भी वो लोग कह देते हैं कि कमलेश सठिया गया है, कुछ भी बोलता रहता है। तो मन में तो आता है, कई बार हम भी विवश हो जाते हैं, हमें भी अपने बाल बच्चों को देखना है, हमें भी अपना काम धाम देखना है, इसलिए कई बार विवश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो अंदर रखा हुआ है ना, वो मन मानता नहीं। मौसर आता है तो फट ही जाता है। और भगवान करे सब कुछ ठीक हो, दो रोटी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, सूखी रोटी खा के भी जीवन गुजारा किए हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, इस स्थिति को तो बस वही जो मैंने कहा, बिना कहे भल दीन दयाला, तो सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। देखिए ये भगवान भरोसे कब तक चलता है। खबर ये भी जब आती है कि वाहन में लगा रखी थी पीली बत्ती और डीजल की चोरी कर रहे थे 15 जरीकेन, उनके गाड़ी में पकड़ा गया, वो भी भाग रहे थे, CISF के जवानों ने खदेड़ा, टायर फट गया इसलिए गाड़ी पकड़ में आई, पीली बत्ती में डीजल चोरी हो रहा है। याद है आपको लाल बत्ती प्रकरण बहुत पहले हुआ था कुरुड़ी मुझे लगता है 3 दशक पहले की बात है, तो वो याद है हम लोगों को। तो पीली बत्ती में जी, ये कमलेश भैया ये बड़ा मतलब हास्यास्पद के साथ भी एक शोचनीय वो है जी। आज थोड़ा सा हटके बोलना चाहूंगा कि एक स्कॉर्पियो पुलिस विभाग को दी गई है जी। वो तो एक ऊपर से आया था, पहले सुमो थी, स्कॉर्पियो थी, पायलटिंग गाड़ी लाल झंडा लगाती है। अभी आप शहर में देखिए, मेटाडोर के आगे में जो मालवाहक गाड़ी है उनके आगे में, स्कॉर्पियो के आगे में लोगों ने एक लाल झंडा लगा लिया है, सायरन भी लगा लिया है कि जिसको देख करके कोई पुलिस का हमला हमारे ऊपर में ना हो। और ये भी तो क्या है, पीली बत्ती लगा करके डीजल चोरी जी, मतलब तू डाल डाल में पात पात। सीधी सी बात है कि नियंत्रण जो है वो जब थोड़ा सा कमजोर होता है ना, इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता है, लोगों को लगता है कि बहुत सहज ढंग से हम पार कर जाएंगे और हमको कोई टोकेगा नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहली बार नहीं किया है, वो मतलब उसका ये चल रहा होगा, वो तो कोई जवान अचानक जाग गया या उसको नहीं मिला होगा कुछ पहले का हिसाब किताब। जी जी जी, नहीं तो ये एक का एक ऐसा तो पीली बत्ती लगा करके बकायदा CISF लिखवा करके तो ऐसा डीजल नहीं चोरी कर रहा है। हाँ, वो CISF के जवानों को भी आजकल खुरचन पानी मिलने लगा है ना। मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा कि सारे वैसे ही हैं, लेकिन जो लोग भी इसमें शामिल है उनको नहीं मिला होगा तो बोलेंगे दौड़ा साले को कहाँ लेके जा रहा है बिना मेरी जानकारी के, बड़े चोर के पास कुछ नहीं आएगा, ये कैसे चले जाएंगे लेके। नहीं, कबाड़ का डीजल का इतना खुलेआम वहाँ पर काम है जी, बगैर संलिप्तता के तो ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्थिति मुझे लगता है कि बनी रहेगी। और चुनाव के समय हम लोग अक्सर, मैं इस बात को कहता हूँ कि जब लोग आए आपके दरवाजे पे चर्चा करने तो आप अभी से मन बनाना शुरू कर दीजिए और लोगों के कहिए कि भैया आप क्या दोगे, व्यक्तिगत नहीं शहर को, क्या दोगे प्रदेश को, ये हमारे यहाँ समस्या है, समस्या पे आप बात करिए। हमारे यहाँ प्रदूषण है, हमारे यहाँ रेलवे की सुविधाएं कम है, हमारे और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम व्यक्तिगत पे चले जाते हैं। व्यक्तिगत भी करिए लेकिन सामूहिक समस्याओं के बारे में भी हम जब बात करना शुरू करेंगे तो राजनेताओं को लगेगा कि अब इनको सिर्फ दारू से पैसे से ही नहीं खरीदा जा सकता बल्कि इनके लिए काम भी करना होगा। कमलेश भैया आपकी बात एकदम खरी है। आज हमसे ज्यादा अच्छे, जिनको हम अनपढ़ बोलते हैं, जिनको हम पिछड़े उससे बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, आप देखेंगे समय समय पर समाचारों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि हमारे गाँव में पानी की व्यवस्था नहीं, हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, हमारे यहाँ सड़क नहीं, हम बहिष्कार करेंगे। अरे ऐसा बहिष्कार की बात हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं करते? हम लोग प्रताड़ित लोग हैं। आज हम ही लोगों ने गाड़ियां खरीद रखी है जी, और इतनी तकलीफों में हमारा गुजर बसर हो रहा है, और उसके बाद भी चुनाव के ऊपर में हम जैसे कोई उत्सव आने वाला ताली बजाने के लिए तैयार रहते हैं। जी जी जी, कह रहे लोकतंत्र का उत्सव तो है, लेकिन उस उत्सव में आनंद तो तभी है जब उस लोकोत्सव लोकतंत्र के उस उत्सव का जो मूल है जी, कि लोगों की समस्याओं को जनवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि 5 साल में आपने जो किया है वो कम था या ज्यादा था, आपने अच्छा किया बुरा किया, वो सब बात करने का समय है। ये सब बात करने का समय थोड़ा है कि आपने व्यक्तिगत तौर पे हमें कितना लाभ दे दिया, बल्कि इर्द गिर्द भी देखें, क्योंकि वही आखिरी में कहूंगा ना कि धीरू भाई अंबानी भी गए ना तो 6 क्विंटल लकड़ी लगी थी और वही 8 मीटर 10 मीटर कफन लगा था, वही जेब भी नहीं रहता कफन, हम हमारे सबके साथ वही होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में विचार करके अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ अच्छा ही होगा। चलिए हेडलाइंस को आज ही विराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और शुभ समय निकाले इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।